वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर वुडन ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो ये क्वेश्चन रिलेटेड डिस्कशन है, ये हमारा 4 पार्ट में होगा। ठीक है, हर एक पार्ट में हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने यहाँ पर एक फिगर है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो वो कहेगा आपसे कि इसके आप मल्टी व्यू यानी ऑर्थोग्राफिक व्यू आप इसके बनाइए। ठीक है, असेंबली भी आ जाती है। असेंबली से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि कैसे उसे बनाना होता है, तो इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जाने के लिए आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आप पहुंच जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो असेंबली भी पूछी जाती है, और जो आगे हमने बात करी थी कि इसका मल्टी व्यू भी पूछा जाता है। तो मल्टी व्यू कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट इसी तरह से क्वेश्चन बना बना है, आपके फिगर आएगा, डिटेल ड्राइंग आएगी, आपसे बोलेगा इसका असेंबली या मल्टी व्यू बनाइए, या दोनों बनाने को आ जाते हैं। तो हम लोग इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं कि इसका हम कैसे हम मल्टी व्यू जनरेट करेंगे, इसका कैसा हमारा मल्टी व्यू दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे ऑर्थोग्राफिक व्यू हैं, डिफरेंट व्यू हैं हमारे क्वेश्चन के। ठीक है, तो व्यूज को समझ लेते हैं, कैसे बनाया है, कैसे क्या इसमें आपको स्टार्ट करना है, कैसे आप इसको एंड करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली इसको समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को देखिएगा आप, यहाँ पर गौर से 3D ज्योमेट्री है आपके सामने, तो 3 डायमेंशंस हो जाएंगी यहाँ पर, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ पहले आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है, तो फ्रंट व्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ एक टाइम पर 2 ही डायमेंशंस नज़र आएंगी। ठीक है, फ्रंट व्यू में आपको 2 डायमेंशन दिखाई देंगी, टॉप व्यू में आपको 2 डायमेंशन दिखाई देंगी, इसी तरह से आपको साइड व्यू में भी 2 डायमेंशन ही दिखाई देंगी। 2 डायमेंशन से मेरा क्या मतलब है? 2 डायमेंशन से मतलब है या तो आपको लेंथ और विड्थ दिखाई देगी, या तो आपको लेंथ और हाइट दिखाई देगी, या तो आपको विड्थ और हाइट दिखाई देगी। एट द सेम टाइम आप तीनों को नहीं देख सकते। अगर आप तीनों को देखना चाहते हैं तो आपको उसका असेंबली करना होगा, या आप डिटेल ड्राइंग से भी तीनों डायमेंशंस देख सकते हैं। बट हमारा यहाँ पर क्या है कि हमको बनाने हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, तो आपको 2 ही डायमेंशन एक टाइम पर दिखाई देंगी। ठीक है, तो लेंथ एंड हाइट आपको दिखाई देती है फ्रंट व्यू में। इसको ये नोट कर लीजिएगा कि फ्रंट व्यू अगर हम बना रहे हैं तो हमको हाइट और लेंथ पे फोकस करना है। ठीक है, और अगर हम इसका साइड बना रहे हैं तो हमको हाइट और विड्थ पे फोकस करना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई पे फोकस करेंगे अगर हम इसका साइड व्यू बना रहे हैं। अगर हम इसका टॉप व्यू बना रहे हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पे फोकस करेंगे, लेंथ और विड्थ पे। ठीक है, इतनी चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, अपना एक जगह नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसके क्या डायमेंशंस गिवन है, गिवन डायमेंशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है, आपको यहाँ पर कोई लेंथ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होगी, बट आप कैसे पता करेंगे इसकी लेंथ गिवन है कि नहीं गिवन है? तो देखिए इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इसके पैरेलल ये लाइन देखिए, ये पैरेलल लाइन है, इसके बाद ये एक पैरेलल लाइन है, और इसी तरह से ये एक पैरेलल लाइन है। तो आपको डायमेंशन कहाँ पर दी गई है? ये देखिए, यहाँ पर इस वाली पैरेलल लाइन पे यहाँ पर डायमेंशन ये गिवन है। दैट मीन्स अगर ये 35 है और इसकी पैरेलल लाइन सेम एग्जैक्ट ये भी है, तो ये भी 35 है, ये भी 35 है, और ये वाली लेंथ भी आपकी 35 है। तो ये लेंथ कितनी हो गई आपकी? 35 हो गई। इसके बाद देखिए यहाँ से ये ऊपर जब यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो इसके आगे का जो पोर्शन है, इसके आगे का पोर्शन ये 45 है। तो 35 + 45 अगर आप टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर गिवन है 80। ठीक है, लेंथ एल आ गई हमारे पास 80। इसके बाद हाइट की बात करते हैं, तो हाइट देख लीजिएगा, यहाँ पर ये गिवन नहीं है, बट ये वाली हाइट गिवन है, इधर से कितनी है? 8। अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है, और डिटेल्स आप समझना चाहते हैं तो इसके हाइट के पैरेलल आप यहाँ आएंगे साइड में, देखिए ये 16 गिवन है। दैट मीन्स टोटल इसकी हाइट कितनी है? 16 है। सेम चीज़ यहाँ पर, ये भी वर्टिकल में कितना गिवन है? 16 गिवन है। तो हाइट भी इसकी पता चल गई आपको कितनी है? 16 है। इसके बाद आप इसकी देखिए चौड़ाई, तो ये देखिए यहाँ पर ये चौड़ाई है, अगर यहाँ से आप नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसके बाद ये देखिए पैरेलल लाइन है, कितनी है ये? 35 की। इसके बाद ये एक पैरेलल लाइन यहाँ से है, कितनी है ये? 45 की।
तो 45 और प्लस 35 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे इसकी डायमेंशंस को पहले मेजर करेंगे वो समझ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल ड्राइंग को रीड करना बहुत ही आना चाहिए आप लोगों को, जरूरी है। ठीक है, आप जब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समझ गए हैं तो इसके बाद चलते हैं मेन ड्राइंग की तरफ। ठीक है, तो लंबाई कितनी थी इसकी 80 और हाइट कितनी है इसकी 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू सबसे पहले हम बनाएंगे इसका। फ्रंट व्यू बनाने के लिए इसकी लंबाई हमने इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पर इसकी लंबाई रख दी, कितनी 80, क्योंकि 80 थी हमारी। ठीक है, 80 रखने के बाद आपको करना क्या होगा, जब आप इसको 80 कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप 16 की हाइट इसको प्रोवाइड करेंगे। याद रखिए जब भी आप यहाँ पर फ्रंट व्यू बनाएंगे तो सिर्फ लंबाई और ऊंचाई ही ध्यान देंगे, एक बार भी आपको चौड़ाई वाली लाइन पे ध्यान देना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी कितनी 80, इसके बाद ये हाइट हो गई आपकी 16। ठीक है, आप इसके बाद चाहें तो इसको यहाँ पर रेक्टेंगल कंप्लीट भी कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो देखिए कैसे फिर करना है। आपको ये कॉर्नर मिल जाएगा, अगर आपने ये और ये लाइन ड्रॉ कर ली है तो आपको ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दो एंड आपको मिल जाएंगे। अब देखिए क्या करना है आपको, आप यहाँ से देख रहे हैं ये इसका फ्रंट व्यू, इधर से आप देख रहे हैं, तो आप एक तरह से आपने ये लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक 80 ड्रॉ की है, और यहाँ से आपने ये ड्रॉ की है 16 की। तो आपको ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर आपको यहाँ पर मिला हुआ है। इस कॉर्नर से देखिए तो आप पहले कितना गए हैं 8, तो इस कॉर्नर से पहले कितना चले जाएंगे 8। 8 जाने के बाद आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जब ये असेंबल्ड हो जाता है इसके साथ तो ये लाइन इसी के साथ ओवरलैप हो जाएगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही लाइन दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये लाइन कितनी की ऊंचाई पे है 8 की ऊंचाई पे, तो 8 की ऊंचाई पे आपको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन कितनी लंबाई की होगी, तो कितनी लंबाई इसकी देखनी है, तो ये वाली लंबाई हमने बताई थी, अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35, 35। ठीक है, ये भी हो गई इसकी 35, तो यहाँ से आप कितना चल के यहाँ तक आ जाएंगे 35, आप चल के आ जाएंगे। 35 आने के बाद आपको यहाँ नीचे देखिए कितना है ये 8, तो आप इसको नीचे ले आइए 8, तो आपका अभी कितना फिगर बना, आपने ये बना लिया, इसके बाद ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, आप इस एंड पे आगे खड़े हो गए हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर आगे मीट हो जाएगा, तो मीट होने के बाद हम इस जगह पे आ चुके हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मर्ज हो चुकी है, तो हम इस लाइन से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस कॉर्नर पे हो चाहे हम इस कॉर्नर पे हो, ये दोनों कॉर्नर मर्ज हो चुके हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कितना ऊपर जाना है मेरे को 8। ठीक है, 8 ऊपर गया मैं। ठीक है, 8 ऊपर जाने के बाद, 8 ऊपर जाने के बाद ये कितना मुझे चलना है 80 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर ये 80, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी 80 होगा एक यहाँ से लेकर के, तो ये 80 यहाँ पर हम पूरे यहाँ तक 80 आ गए। 80 आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे कितना आना है, तो देखिए बैक साइड से कितना नीचे आ रहा है 16, तो आप क्या करिएगा यहाँ पर 16 नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद इसको आप मिला देंगे। इसका देखिए यहाँ पर ये आपको डॉटेड नज़र आ रहा होगा, तो ये डॉटेड क्यों नज़र आ रहा है उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए डॉटेड क्यों नज़र आ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये वाला जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन, ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी आफ्टर असेंबली, असेंबल्ड होने के बाद ये वाली लाइंस आपकी हिडन हो जाती हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन इस पर मर्ज हो जाता है और इसके बिहाइंड वाला पोर्शन जो वो इसको ढक लेता है। आप जब सामने से देखते हैं तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देता है, लेकिन ये वाला जो फ्रेम आपको दिखाई नहीं देता है, तो ये जब आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन एक्चुअल में वहाँ तो लाई कर रहा है वो। ठीक है, तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये आपको इस जगह पर एग्जैक्ट दिखाई देनी चाहिए थी, बट दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ पर हिडन से शो करते हैं। इस लाइन की ऊंचाई कितनी है, तो इस लाइन की ऊंचाई जो है हमारी 8 ये है, तो यहाँ भी इसकी ऊंचाई कितनी है 8। कैसे पता चला, क्योंकि टोटल 16 था, 8 आ चुके हैं, बचा कितना है 8, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये कैसे बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। तो इस तरह से इसका देखिए फ्रंट व्यू आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फ्रंट व्यू बनाने के बाद हम साइड व्यू की बात करते हैं, तो एग्जैक्ट साइड व्यू में भी आप देखिए आपको यहाँ पर चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है, तो चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से यहाँ से आप जो कुछ डायमेंशंस जनरेट कर चुके हैं, और हमेशा याद रखिए कि हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में ही साइड व्यू होता है। ठीक है, और फ्रंट व्यू से ऊपर या तो नीचे ही टॉप व्यू होता है, किसमें ऊपर होता है किसमें वो नीचे होता है, तो ये डिपेंड करता है हम फर्स्ट एंगल बना रहे हैं कि थर्ड एंगल बना रहे हैं। अगर आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के मेरे लेक्चर देख सकते हैं, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है,
तो फर्स्ट एंगल यहाँ पर देखिए, हम ये किस पे बना रहे हैं, मैं इसको बता दे रहा हूँ, यह मैं फर्स्ट एंगल पे बना रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एंगल को याद करना बहुत आसान है कि अगर टॉप व्यू ऊपर की बजाय नीचे बना हुआ है, क्योंकि टॉप व्यू, टॉप का मतलब क्या होता है ऊपर, लेकिन बना कहाँ है, नीचे, तो टॉप व्यू अगर नीचे बना हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स ये फर्स्ट एंगल है। अगर थर्ड एंगल होता तो टॉप व्यू टॉप टॉप के नाम से ऊपर ही बनता, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फ्रंट है, ये साइड है, फ्रंट के हमेशा साइड में ही साइड व्यू होगा, और फ्रंट से ऊपर या तो नीचे टॉप वाइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये साइड व्यू कैसे बनाना है हमको, कि इसकी हाइट की जो डायमेंशन थी वो हमको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ से इसका प्रोजेक्शन आगे लेकर के आएंगे तो आपको ये वाली लाइन्स मिल जाएगी 16 की, ठीक है। इसी तरह से इसका प्रोजेक्शन आप आगे लाएंगे तो आपको ये मिड वाली लाइन भी मिल जाएगी। ये लंबाई कितनी रखनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि चौड़ाई कितनी दी है, और ये चौड़ाई कितनी दी है इसकी, 35 + 45 कितनी हो गई, 80। तो 80 की चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। 80 की चौड़ाई जब दे रखी है, लेकिन आप इस कॉर्नर से देख रहे हैं, जब आप इधर साइड से देखते हैं तो आप इस कॉर्नर पर खड़े हैं, जब आप इस कॉर्नर पर खड़े हैं तो पहले आप कितना आ रहे हैं, 45, यहाँ से आए हैं 45, तो इस कॉर्नर से आप पहले आ गए हैं 45, ठीक है। 45 के बाद आप चले हैं 35, और 35 पे आपके, देखिए 35 पे आपको नीचे, ये देखिए यहाँ पर ये 35 पे नहीं है, और यहाँ से जब ऊपर आप आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर आएंगे 8, तो इस वाले कॉर्नर पे हैं आप, इस कॉर्नर से आप 8 ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखिए इसको, इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है ये मर्ज लाइन है, जो कि इसके और इसके मर्जिंग से बनी है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये ऊपर का जो हैच वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर आ जाता है असेंबल होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितने की हाइट से, 8 की हाइट से यहाँ आ गए हम, कितनी, 35 गहराई पर, ठीक है। यहाँ से 35 हम अंदर आ गए, उसके बाद ये देखिए फिर वर्टिकल ऊपर जाना है, तो वर्टिकल ऊपर जाने के लिए ये वाली हमको पता होनी चाहिए ऊंचाई कितनी है, चूंकि 8 आ चुके हैं, टोटल 16 है, तो बची कितनी, 8, 8 आ गए ऊपर। आने के बाद इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत ही आपको बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी डायमेंशनिंग करने में या कुछ बनाने प्रॉब्लम होती है तो आपको सिंपल ये पता होना चाहिए आपको कहाँ से कहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे इसमें चलते जाना है, क्योंकि जो ड्राइंग होता है बहुत ही आसान होता है। आपको जस्ट एक कॉर्नर अगर आपने पकड़ लिया, उस कॉर्नर से आपको पता होना चाहिए पहले आप कितना चले, फिर कितना चले, फिर कितना चले, फिर कितना चले, आप उसमें एक तरह से आप ट्रेवल अगर करते हो उस फिगर के ऊपर 1 by 1 पार्ट्स पे, तो आपको बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट और साइड हमने इसको बना लिया है, तो हम इसके टॉप व्यू की तरफ चलते हैं, ठीक है। टॉप व्यू में मैंने बात करी कि आपको हाइट्स नहीं दिखाई देती, आप अगर घर की छत में खड़े हो तो आपको पिलर्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमको हाइट दिखाई नहीं देगी, तो हमको इसको दिखाई देगी इसकी चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई और लंबाई के लिए यहाँ पर देख लेते हैं फिगर ऊपर से, ठीक है। इसका देखिए टॉप व्यू बनाने के लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले प्रोजेक्शंस यहाँ से लाने होंगे। इस वाले कॉर्नर से आप नीचे प्रोजेक्शंस ले आएंगे, इस वाले कॉर्नर से एक प्रोजेक्शन आपका नीचे आएगा, इसके बाद ये वाले कॉर्नर का प्रोजेक्शन नीचे आएगा, और इस वाले कॉर्नर का भी प्रोजेक्शन नीचे आएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रोजेक्शन कुछ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो आपका टॉप व्यू है, ये आपकी टॉप्स टॉप व्यू है, जो यहाँ आपको शुरुआत करनी है इस कॉर्नर से, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको टॉप से देखते हैं तो आपका ये वाला कॉर्नर जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले कितना आप आ रहे हैं, 45 नीचे, और इसके बाद 35 नीचे, तो ठीक है, इसी के हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो देखिए पहले ऊपर से आप यहाँ से इस कॉर्नर से हैं, ये कॉर्नर यहाँ पर होता है, पहले आपको देख लीजिए कि ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर हमारा स्टार्ट पॉइंट है इस जगह से, ठीक है, ये पॉइंट से हमारा स्टार्ट पॉइंट है। नीचे आएंगे 45, 45 के बाद यहाँ पर आएंगे 35, ठीक है, 45 और 35। इसका देखिए ये कॉर्नर की चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पर हम ऊपर जब जाएंगे फिगर पे देखेंगे तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि ये कितना है, 35। तो यहाँ पर ये हमारी कितनी हो जाएगी, 35 की ये वाली चौड़ाई हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कितना नीचे आए हैं हम लोग, कितना अंदर आए हैं इसमें, तो यहाँ पर भी देखिए ये कितना है, 45, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ये 45 पे, 45 पे आने के बाद ये लाइन अंदर की ओर आई है, ठीक है, 45 पे आने के बाद ये लाइन हमारी अंदर की ओर आई है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे बनाते हैं, तो आगे हम लोगों को जो बनाना है इसे फिगर, इसके बाद ये वाली जो लंबाई है, ये कितनी गई है और कहाँ से गई है, तो देखिए इस पॉइंट से है जहाँ से ये लाइन हमारी आई है, इस तरह से ये लाइन आगे गई है, तो इसको देखेंगे हम लोग, तो ये वाला कॉर्नर, ठीक है, यही कॉर्नर हमारा आगे की ओर गया है, ठीक है।
ये वाली जो लाइन होती है हमारी, ये ऊपर से देखने पर ये वाली लाइन, ठीक है, यही वाली लाइन हमारी इस लाइन के साथ मर्ज होने वाली होती है। ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में मर्ज हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइन देखिए इस कॉर्नर से आकर के यहाँ मिलेगा, जब ये ऐसा मिलेगा तो ये वाली लाइन इसके साथ मर्ज हो जाएगी, जिसके से जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन इसकी लाइन के साथ बन रही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम 35 आ गए, इसके बाद कितना जाना है, तो टोटल ये 80 है, दैट मीन्स बचा कितना है रिमेनिंग हमारे पास, 45। तो 45 हम और अंदर जाएंगे इसमें, ठीक है, यहाँ से 45 और अंदर आ जाएंगे, 45 आएंगे इसके बाद ये नीचे कितना आना है, तो उसके लिए देखिए हम लोग अभी इस जगह से चल रहे थे यहाँ से, तो ये कितनी अभी बची है गहराई इसकी नीचे, ये बची है आपकी 35, 35 इसकी बची है, तो ये 35 वाली लाइन आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, 35 लाइन नीचे आने के बाद आप इसको यहाँ से यहाँ मिला लेंगे, ठीक है। अब ये ऐसे ही मिलना है कि नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए फिर से देखिए, देखिए यहाँ पर इस जगह हैं आप, यहाँ से कितना आया, ये लाइन आपकी सीधा 80 चली आ रही है, तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट 80 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें जो हिडन पार्ट है वो भी समझना पड़ेगा कि ये हिडन पार्ट ये कैसे आया डॉटेड। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कि जब आप इसको टॉप वाले पॉइंट को इसके साथ मीट कराते हैं, तो आपकी ये वाली लाइन हिडन हो जाती है, ये वाली लाइन आपकी मर्ज हो जाती है इसके साथ, और ये वाली लाइन किसी के साथ मर्ज नहीं हो रही है, बट ये एक्चुअल में वहाँ है। तो यहाँ पर टॉप में वो लाइन आपको दिखाई देगी, कहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ से 35 की दूरी पर देखिए ये लाइन बन रही है, ठीक है, इस कॉर्नर से 35 की डिस्टेंस पे ये लाइन बन रही है। दैट मीन्स यहाँ से भी अगर हम 35 चलते हैं, तो हमको यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगी जो कि डॉटेड होगी, क्योंकि आपको हिडन पोर्शन है, वो आपको एक्चुअल नहीं दिख रहा है, बट वो वहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम यहाँ से इसको डॉटेड पार्ट्स उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूँ। आप इसमें देख लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसकी ये फ्रंट है अगर, तो ये देखिए इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 130। चौड़ाई इसकी देख लेते हैं, तो यहाँ भी ये 30 है, इधर भी 30 है, यानी चौड़ाई हो गई 30। हाइट देख लेते हैं, तो हाइट इसकी है 90, ठीक है। तीनों डिटेल्स हमको यहाँ पर मिल गई हैं जो मेन थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने व्यूज़ की तरफ। तो फ्रंट व्यू में हमको बनानी होती है लंबाई और ऊंचाई। लंबाई है 130 और ऊंचाई इसकी है 90, ठीक है। इस बार हमारा जो फ्रंट व्यू है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, जब आप इधर से सामने से दिखाई देखेंगे तो आपको ये कॉर्नर नज़र आएगा, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। सामने जब आप देखते हैं तो ये कॉर्नर नज़र आएगा, ये पीछे वाला कॉर्नर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पीछे चला गया है, ठीक है, ठीक है। इस कॉर्नर से आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से आपका टोटल ये जो लेंथ है 130 है, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका इसके साथ मर्ज हो चुका होगा, दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन यहाँ पर एक कवर पोर्शन बनाएगी, ठीक है, मर्ज होने के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 130, ठीक है, 130 की लाइन, और यहाँ से आप कितना नीचे आएंगे, 40, ठीक है। 40 के बाद आप कितना यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है, वो देख लीजिए। यहाँ पर टोटल ये कितना पोर्शन है, 40, दैट मीन्स ये टोटल था आपका 130। 130 में से आप 40 अगर माइनस करते हैं तो आपको कितना बचेगा, ठीक है, 90। 90 का अगर आप 2 पार्ट करें, क्यों 2 पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ और इस साइड से इधर का जो पोर्शन है वो सेम है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपने 130 में से यहाँ 40 हटा दिया तो बचेगा 90, और 90 यहाँ और इधर इस साइड और इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपकी 45 हो जाएगी, ये डिस्टेंस 45, फिर आपकी यहाँ से यहाँ 40 एंड देन 45। तो आपको जो 130 है वो, दैट मीन्स ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर देखिए कैसे हमारा स्टार्ट होगा। इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, 130 टोटल है, बट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले कितना, 45, फिर 40 एंड देन 45। इसके बाद देखिए नीचे कितना आना है हमको, 40, नीचे में आ गया इतना 40। 40 बाद ये फिर 45, ठीक है, 45 एंड देन 40 एंड देन 45। अब यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा डॉटेड है, क्यों है इसका भी डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन हमारा, ये वाली लाइन ये हमारी हाइड हो जाएगी इस पोर्शन की वजह से,
ये वाली लाइन जो हमारी हाइड हो रही है वो एक्चुअल में तो लाई कर रही है कितनी पे, यहाँ से 40 की गहराई पे, ठीक है, 40 की गहराई पे वो लाई कर रही है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जो इससे मीट करेगा वहाँ से हम 40 की गहराई पे आएंगे। तो देखिए यहाँ से आप 40 की गहराई पे आएंगे तो आपको ये जो लाइन बनाएंगे, ये आपने लाइन बनाई है जो हिडन लाइन हो गई आपकी, इस लाइन, ये लाइन, इसकी वजह से वो लाइन आपकी डॉटेड वहाँ पर बनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये पोर्शन हमारा आगे और भी है लेंथ इसकी, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये टोटल लेंथ गिवन है 90, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 90 है, और अभी आप कितनी हाइट नीचे आ चुके हैं, 40 आ चुके हैं, रिमेनिंग कितना है, 50, 90 माइनस 40 तो बचा कितना है 50, तो यहाँ से हम 50 नीचे आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप 50 नीचे आ जाएंगे, 50 बाद ये 40 चले, क्यों चले हैं भाई, ये देखिए यहाँ जब आ जाते हैं तो ये कितना बोल रहा है 40, तो इस पार्ट से आप 40 आ जाएंगे, 40 बाद फिर आप कितना 90 टोटल यानी ऊपर तक, लेकिन हम यहाँ तक तो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक ऑलरेडी बना चुके हैं, इसके बाद यहाँ से यहाँ मीट करा देंगे। तो इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू जनरेट हो जाएगा। फिर इसका हम साइड व्यू बनाते हैं, तो साइड व्यू बनाने के लिए ये वाली डायमेंशन आपकी प्रोजेक्शन कर देंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन कर देंगे तो ये आपकी यहाँ से यहाँ प्रोजेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से आप यहाँ पर इसको प्रोजेक्टेड कर देंगे, तो इसकी यहाँ पर हाइट आ जाएगी, बचेगी क्या, चौड़ाई, क्योंकि हमको साइड व्यू बनाना है और साइड व्यू हमारे पास क्या क्या होती है, हाइट होती है और चौड़ाई होती है। हाइट हम बना चुके हैं क्योंकि हमने हाइट की प्रोजेक्शन ले लिए हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रंट व्यू। चौड़ाई कितनी है इसकी, 30। तो देखिए हाइट बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 30 बना लेनी है लाइन, ठीक है। 30 बनाने के बाद, ठीक है, 30 बनाने की जब आप बना लेंगे तो 30 बनाने के बाद आप इस कॉर्नर पे होंगे, ठीक है। कॉर्नर से ये आप स्ट्रेट ऊपर गए हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि ये वाला पोर्शन इसके साथ जब मीट हो चुका है तो आप इधर सब साइड से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन आगे आ जाएगा इस पोर्शन के, ये पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ये पोर्शन नहीं दिखाई देगा, बट ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये हिडन हो जाएगी इस पोर्शन के बिहाइंड पे, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपकी हिडन हो जाएगी इस पोर्शन के पीछे जो एक्चुअल में यहाँ पर है। तो ये लाइन आपकी जो हिडन हो रही है ये आपको बनानी है, कितनी दूरी पे बनानी है, तो टोटल है 30, 30 है तो यहाँ से 15, देखिए 15, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 15 की दूरी पर आपकी ये हिडन लाइन आएगी यहाँ बीच में, ठीक है। तो देखिए 30 बनाने के बाद हमको ऊंचाई जो है गिवन थी पहले से, ठीक है, यहाँ से हम प्रोजेक्शन ऑलरेडी ले चुके थे, तो यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर की तरफ गए कंप्लीट, इसके बाद यहाँ से हम 15 और 15 पर ये क्या बनाएंगे, हम डॉटेड लाइन देख रही है आपको, यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाएंगे और इसका ये जो हैच था हैच कर देंगे, ठीक है, जैसा हैच है वो हैच हम कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये देखिए साइड व्यू बहुत ही आराम से बन जाएगा। इसके बाद हम इसके टॉप व्यू बनाएंगे, तो टॉप व्यू के लिए देखिए टॉप व्यू में जो कॉमन डायमेंशन होती है विद द फ्रंट व्यू वो होती है लेंथ। तो लेंथ हम यहाँ से इसके लेंथ के प्रोजेक्शन ऐसे कर लेंगे, यहाँ से लेंथ के प्रोजेक्शन आपके सीधे आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। लेंथ के प्रोजेक्शन आने के बाद आप जो इसकी चौड़ाई की प्रोजेक्शन है वो आप साइड व्यू की हेल्प से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि कैसे हम यहाँ पर इसके जो प्रोजेक्शन होते हैं वो 45 डिग्री पर रोटेट करके इधर हम ले आते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने हेक्सागोनल नट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ऑलरेडी मैंने करके दिखाया है कि कैसे हम साइड व्यू के जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो टॉप व्यू में लाते हैं और टॉप व्यू के जो प्रोजेक्शन वो कैसे साइड व्यू में लेके जाते हैं। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, बट मैं उस तरह से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर अभी, अभी आपको मैं डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको उस डिटेल के ऊपर ही आपको बस कैसे 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 मूव करना है और आपका कैसा पूरा डायग्राम आपका जनरेट हो जाएगा, मैं इस पे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ के प्रोजेक्शन आ चुके होंगे आपके पास, ठीक है, सारे के सारे आपके लेंथ के पास प्रोजेक्शन आ चुके होंगे। अब आपको सिर्फ इसको टॉप से देखेंगे जब आप, ठीक है, तो ज्वाइंट करते हुए देखना है, ये इसके असेंबल्ड हो चुका है, असेंबल्ड होने के बाद आपको देखना है। तो आप यहाँ से जब इसको देखते हैं तो ये 40 वाली 130 वाली कंप्लीट लाइन है, ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन आपकी 40 है, ये लाइन देखेंगे आप 50 की, इसके बाद यहाँ पर ग्रूव कट है देखिए। तो आप जब इसको टॉप से देख रहे हैं तो ये ऊपर वाला पोर्शन आपका, ये देखिए यहाँ पर कोई हैच नहीं है, और ये जो हैचिंग वाला पोर्शन ये यहाँ पर जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर ये हैच पॉइंट शो करने लगेगा,
दैट मीन्स नीचे वाले पोर्शन में हैच होगा और ऊपर वाले पोर्शन पे हैच नहीं होगा। ठीक है, हाइट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन, ठीक है, ये भी चौड़ाई की लाइन है क्योंकि ये देखिए लेंथ चौड़ाई के पैरेलल है। तो ये जो चौड़ाई वाली लाइन है ये यहाँ पर हाइड हो जाती है जब ये इससे मीट करता है, लेकिन ये एक्चुअल वहाँ है और ये हाइड हो रही है। ठीक है, और सामने से जब आप इसको यहाँ पर टॉप से देख रहे हैं तो अगर इसकी हाइड हो रही है कोई लाइन तो उसको वहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि यहाँ पर जब हमने इसको यहाँ से 130, ठीक है, 130 के बाद हम 30 आए नीचे, ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये कितना 30, 30 के बाद 45, 45 बाद आपका ये पोर्शन 15 गिवेन है ऑलरेडी, 15 के बाद रिमेनिंग कितना बचा 15। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा बट यहाँ पर लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी मैं बार बता रहा हूँ, ये वाली लाइन आपकी जो है ये हाइड हो जाती है, तो यही वाली लाइन आपको यहाँ पर डॉटेड करके दिखानी होती है। सेम जैसे ये हाइड हो रही है इसी के पीछे इधर पे एक लाइन और होगी जो हाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे भी यहाँ पर हमें प्रोजेक्टेड हाइट से मतलब दिखाना पड़ेगा हिडन लाइन से। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरह से यहाँ पर हिडन लाइन से आप इसको शो कर देंगे। ठीक है, डायमेंशनिंग करना मत भूलिएगा, इसमें डायमेंशनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने आज यहाँ डिस्कस किए हैं, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप अगर इसको वीडियो को करते हैं साथ में, इसको पॉज करते जाते हैं और जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ आप अगर इसके साथ फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ट्यून रहिएगा साथ में, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।